इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेकंड T20 कल खेला गया और कल के मैच का पूरा क्या सीन रहा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये सीन हुआ कि जो मैच है वहाँ पर कुछ कारणों के चलते 8-8 ओवर का हो गया और यहाँ पर इंडिया ने टॉस जीता और सबसे पहले बॉलिंग का फैसला किया। तो यहाँ पर सिंपली ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे पहले बैटिंग करने के लिए उतरी और जो आरोन फिंच है वो तो अपने अच्छे ही फॉर्म में दिख रहे थे, तो उनकी तरफ से हमें यहाँ पर शुरू से ही अच्छे अच्छे शॉट यहाँ पर देखने के लिए मिले और यहाँ पर विराट कोहली से जो ग्रीन का एक कैच यहाँ पर छूट जाता है, तो यहाँ पर जो कैच काफ़ी खतरनाक रहता है लेकिन फिर भी छूट जाता है। फिर इसके बाद जो क्या होता है कि जो ग्रीन है वहाँ पर रन आउट हो जाता है, अक्षर पटेल उन्हें यहाँ पर सिंपली रन आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपली जो ग्रीन है वो 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर चलते बनते हैं। इसके बाद आता है मैक्सवेल, वो भी यहाँ पर पहली ही गेंद में अक्षर पटेल की क्लीन बोल्ड आउट हो जाते हैं। जो अक्षर पटेल है एकदम स्टम्प टू स्टम्प बोल्ड डालता है और जो ग्लेन मैक्सवेल है वो पहले ही गेंद में आउट हो जाते हैं। इस तरीके से मैक्सवेल भी गए। फिर इसके बाद जो डेविड है वो भी यहाँ पर चले जाते हैं। जो अक्षर पटेल है मैक्सवेल के स्टाइल पर डेविड को ही आउट कर देते हैं और जो डेविड है वहाँ पर 3 गेंदों पर 2 ही रन बना पाते हैं और वो भी यहाँ से क्रीज से चले जाते हैं। इस तरीके से अक्षर पटेल को 2 विकेट मिल गई। इसके बाद जो बुमराह अच्छे फॉर्म में यहाँ पर दिख रहा है, आरोन फिंच को क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं। एक ही ओवर जैसे गेंद फेंकते हैं और यहाँ पर जो आरोन फिंच है वो 15 गेंदों पर 31 रन बनाकर ये भी क्रीज से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं पिछले मैच के हीरो, यहाँ पर जो अपने वेड है वो आते हैं पिछले मैच के हीरो। इन्होंने ही ऑस्ट्रेलिया को पिछले मैच जितवाया और इस मैच के लास्ट ओवर में इन्होंने क्या किया कि लास्ट ओवर में यहाँ पर इन्होंने 3 छक्के जड़ दिए। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा महंगा ये ओवर हो गया था। इन्होंने एक गेंद रहते रहते मतलब कि ऐसे कर कर 3 सिक्स मार दिए। फिर जो लास्ट गेंद थी उसमें स्टीव स्मिथ रन आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया की पारी है वहाँ पर समाप्त हो जाती है 90 रनों पर और इनके यहाँ पर गिरते हैं 5 विकेट। और इंडिया की तरफ से जो अक्षर पटेल है वो 2 विकेट लेते हैं और जो बुमराह है वो 1 विकेट लेते हैं और 1 रन आउट हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर रहता है। फिर इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने आते हैं लोकेश राहुल और रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा कल के मैच में कुछ अलग ही फॉर्म में दिख रहे थे। इन्होंने आते से ही यहाँ पर चौके छक्के की बारिश कर दी और यहाँ पर शुरू ओवर में ही टीम इंडिया का जो स्कोर था वो तो अच्छा हो गया था, लेकिन शुरू ओवर में क्या सीन हुआ कि शुरू ओवर में टीम इंडिया ने जड़ दिए 3 सिक्स। तो यहाँ पर रोहित शर्मा ने 1, यहाँ पर लोकेश राहुल ने। इस तरीके से इंडिया की जो पारी काफ़ी मस्त चल रही थी लेकिन एडम जंपा यहाँ पर लोकेश राहुल को क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं। वो एक गुगली फेंकते लोकेश राहुल पढ़ नहीं पाते और यहाँ पर सिंपली आउट हो जाते हैं। 6 गेंदों पर 10 रन बनाकर लोकेश राहुल चलते बनते हैं। इसके बाद आता है विराट कोहली। तो विराट कोहली को भी एडम जंपा यहाँ पर एक गुगली फेंकते और विराट कोहली भी इस गुगली को पढ़ नहीं पाते और वो भी आउट हो जाते हैं। 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर विराट कोहली भी चलते बनते हैं। इसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव, तो ये भी पहली ही गेंद पर आउट हो जाते हैं 0 रन पर, जो कि LBW आउट हो जाते हैं। इसके बाद जो हार्दिक पांड्या है वो भी यहाँ पर सिंपली आउट हो जाते हैं। लास्ट का मैच बचता है लेकिन हार्दिक पांड्या यहाँ पर चलते बनते हैं 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर। इसके बाद लास्ट ओवर में चाहिए रहते हैं 9 रन लेकिन दिनेश कार्तिक क्या करते हैं, पहली गेंद पर 6 मार देते हैं, दूसरी गेंद पर 4 मार देते हैं और इस तरीके से जो टीम इंडिया की जीत है उसको सुनिश्चित कर देते हैं। और यहाँ पर 6-4 मारकर जो दिनेश कार्तिक है वो मैच को टीम इंडिया की झोली में डाल देते हैं। इस तरीके से जो टीम इंडिया है उसने यहाँ पर लास्ट के ओवर में इस मैच को जीत लिया था। तो टीम इंडिया का जो स्कोर था वह यहाँ पर हो गया था 92 रन 4 विकेट के नुकसान पर और यहाँ पर जो एडम जंपा है उन्होंने लिए थे 3 विकेट। तो इस तरीके से कल के मैच की पूरी हाईलाइट थी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन